Hello, hello, checking 1, 2, 3, hello. Tune your radios. Kaboom, boys and girls. Ladies and gentlemen, the Vortex is back on All For Mustang. Alright, here we go! Alright guys, so good to see you here tonight on All From Us Web Radio, and 1:57 AM this time check is brought to you by RJ Vortex, powered by you guys, my fans are here. And मुझसे यहाँ कहाँ जा रहे हैं, माँ टिल्डा हमसे कह रही हैं कि RJ Vortex हमें इंग्लिश नहीं आती, प्लीज़ उर्दू में शो करें. मेरी उर्दू जो थी, पता है मसला क्या है, ऐसा मेरे साथ पहले पास में ऐसा हुआ जब मैं छोटा था, क्लास में जाया करता था स्कूल में, एंड आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो बात करनी नहीं आती थी. तो उस वक्त जो है ना वो मेरी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त थी, एंड जब मेरा क्लास में लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और मुझे इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती थी, और ग्रामर तो मेरी बिल्कुल ही वीक थी, इतना भी नहीं था कि नहीं आती थी. रीडिंग में मेरा आपका जो भाई था वो नंबर वन था. तो भाई आज हाजिर है और उर्दू में शो करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और मार्टिल्डा जो है वो न्यूली हमें पहली बार सुन रही है, उन्होंने हमें आते ही कहा कि वो एक घंटे से हमारे शो का वेट करती है, उसके बाद वो कह रही है मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ. तो मुझे एक सेंस नहीं बनी यहाँ पे कि वो मेरा एक घंटे से वेट कर रही है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ, शायद उनको मेरे बारे में किसी ने बताया होगा. ग्रेट वन को कहेंगे थैंक यू सो मच, माया को कहेंगे कि उन्होंने हमें बताया कि ट्रैक जो है वो साथ में कनेक्ट हो गया, एंड जितने भी लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं जो मेरे फैंस हैं या जो नहीं भी हैं उन सबको मेरा वेलकम है ऑन ऑल फॉर मस्ती में. मैं हूँ आपका होस्ट फ्रॉम कराची से, और आवारा जो है वो वेकेशंस पर हैं, एंड नाउ मैं भी वेकेशंस पर था. मैं क्यों वेकेशंस पर था ये हम ट्रैक के बाद आकर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे. तब तक के लिए मेरे साथ स्टे ट्यून रहें, अपने मूड को एनर्जेटिक कर लें, बिकॉज वी आर नाउ इलेक्ट्रीफाइंग टुगेदर टुनाइट ऑन ऑल फॉर मस्तीज डॉट कॉम, एंड एवरीवन इज स्टे विद मी एंड कीप एंटरटेनिंग लाइक दिस. और सबको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम, सबके जो नाम हैं वो हम आके करेंगे सॉन्ग्स के बाद अनाउंस, जो जो हमारे साथ हैं मौजूद और हमें सुन रहे हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे इनक्रेज करने का, मुझे चीयर अप करने का, एंड आप यकीन नहीं करेंगे मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त, और मेरे गूज बम्स जो हैं वो स्टैंड अप हुए हैं, एंड आई एम फीलिंग लाइक इलेक्ट्रीफाइंग फ्रॉम इनसाइड, एंड थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, फर्स्ट टाइम आया हूँ आप सबके साथ. तो मैं शो अभी भी करना सीख रहा हूँ, मुझसे कोई कहता है ना आप आरजे हैं, तो मैं अभी भी जो है वो ये कहूँगा कि मैं आरजे कंप्लीट नहीं हूँ, स्टिल आई हैव टू अचीव सम गोल्स एंड गिविंग यू अ बिग एंटरटेनमेंट लाइक अ हॉरर शो. एंड हॉरर शो के साथ साथ हम और क्या क्या लेकर आ रहे हैं न्यू वो भी हम आपको बताएंगे. तब तक के लिए हम एक ट्रैक की तरफ यहाँ चलते हैं, हमारे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए सब कमिंग ट्रैक को, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, एंड वी विल बी राइट बैक. अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगा
और यहाँ पर हम ग्रेट वर्क को कहेंगे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। Let's do some bhangra shangra on the main chat. Oh, ladies and gentlemen, Hashmi is here and we must welcome to her and she's saying after that, oh my god, Vortex is here, yes I'm here, enjoy! क्यूटी पाई और साथ में हमें ज्वाइन किया हाशमी ने और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ जो मुझे वेलकम भी कर रहे हैं एंड सो गुड टू सी यू भी कह रहे हैं और साथ में ऐसा लग रहा है कि वो एक घंटे से वेट कर रहे थे एंड थैंक्स टू कलीम फॉर गिविंग मी द असिस्ट ऑन द रेडियो सेटिंग्स बिकॉज इट्स ट्रूली न्यू वन और बिल्कुल नया था वो रेडियो का जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और मैं बस उसको चेक कर रहा था कि सेटिंग्स कैसे करनी है और अगेन थैंक्स टू कलीम फॉर गिविंग मी द एच मोड फॉर अपिंग मी माई निक नेम as on the radio list half of मुझे मिल गया है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग यहाँ खुश होंगे खैरियत से होंगे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उर्दू में करूँ सब सारा जितना भी शो है जो मैं आज यहाँ करने आया हूँ तो क्योंकि आप लोग सही कह रहे हैं क्योंकि एक बार हुआ ऐसा कि मैं पेट्रोल पंप पे जो है वो खड़ा हुआ था मैं पेट्रोल डलवा रहा था गाड़ी में तो एक खातून उतरी गाड़ी से और वहाँ पर एक बेचारा कोई बैगर था फ़कीर था वो कुछ मांग रहा था उनसे तो उन्होंने इंग्लिश में उसको कहा कि सॉरी आई हैव नो मनी लाइक दैट तो मैंने बोला यार मतलब इंग्लिश तो उसको समझ में भी नहीं आई होगी और जो है वो बेचारी वहाँ पे इंग्लिश बोल रही है नहीं बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती बट दे डोंट नो द यूजेज ऑफ द इंग्लिश कि वो बोलनी कहाँ किससे किस तरह से है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बेचारे जो जिनको उर्दू भी सही से नहीं आती उनसे वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहे हैं तो वहाँ वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो कॉन्फिडेंस जो है वो उनका लैक हो जाता है और वो कहते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे तो ऑप्शन हमें कह रहे हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया
पेट्रोल पेट्रोल पंप पे तो कभी खत्म नहीं होता, मेरी गाड़ी में जरूर खत्म हो गया था और मैं उसको जरूर डलवा रहा था। और माटिल्डा हमारे साथ मौजूद है, माटिल्डा न्यूली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनको वेलकम करेंगे अपने शो में और साथ में ऑप्सी को भी वेलकम करेंगे, गुड़िया को भी वेलकम करेंगे, शनाया हमारे साथ मौजूद है, अली रजा है, हाशमी है, एरिस है हमारे साथ हैं, माया हमारे साथ हैं, ग्रेट वन इज ऑल्सो विद अस एंड आमना 24 ने अभी हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ जो है वो कोप भी यहाँ मौजूद है, एलिनॉर भी मौजूद है, इनको भी वेलकम करेंगे अपने शो में, वजीहा मौजूद है, वजीहा को वेलकम करेंगे, सानिया ने ज्वाइन किया, सानिया को वेलकम करते हैं एंड लॉट ऑफ पीपल हेयर टू नाइट एंड द अचीवमेंट ऑफ द गोल इज़ कम्प्लीटेड। लाइक बहुत सारे कॉन्टेंट जो है वो चैनल पर भी आए हैं, यूट्यूब में आप जा सकते हैं, सर्च में जाके आरजे वोटिक्स लिखे हैं, वहाँ पर जाके हमारे अब पुराने शोज जो हमने ऑल फॉर मस्ती पे किए हैं वो सब आप लोग सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉरर शो एंड इंटरटेनिंग शोज एज वेल जो मैं अभी कर रहा हूँ, और एक न्यूली अभी एक स्टोरी सेशन आ रहा है, क्योंकि ये स्टोरी सेशन मैंने क्यों निकाला है, किस लिए निकाला है आपको बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हम एक ट्रैक की तरफ चलते हैं और ट्रैक के बाद आकर आपसे करते हैं बहुत सारी बातें, एंजॉय करें सबका, अपकमिंग ट्रैक को मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप इलेक्ट्रिफाइंग योर हार्ट्स विद ऑल फ्रॉम मस्तीज वेब रेडियो। वैसे इस ट्रैक में सिर्फ बुर्ज खलीफा दिलाने की बात की है, जो कि सिर्फ ट्रैक में, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसको इससे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई रियलिटी में भी बुर्ज खलीफा से आपके लिए छलांग नहीं मारेगा, जो मारेगा वो आपसे सच्चा प्यार करता है। What she's saying is, Matilda is saying to us, I haven't seen such quality work in a long time. Great job. Agar aap log na ho, to RJ Vortex bhi na ho. Sach mein, trust me. Tenu vekh ke chad gaye ishq tu diamond vaangu lishk
ऑलराइट गाइस, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको, अ बिग वेलकम ऑन ऑल फॉर मस्तीज वेब रेडियो स्टेशन एंड चैट रूम एज वेल, एंड एंजॉय योर चैट हियर, एंजॉय योर टाइम पास विद योर चैट, एंड सबको करेंगे वेलकम। आप बहुत दिनों बाद जो है वो आरजे वोटिस की आवाज़ सुन रहे हैं रेडियो पर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आप सबके घर में आप लोगों की फैमिलीज वगैरह सब ठीक होंगी और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और लाइफ का कुछ इस तरह से सिस्टम जा रहा है कि कल जो है वो रात 12 बजे से जो है वो लाइट गई और पूरे पाकिस्तान में जो है वो ब्लैकआउट हो गया और लोगों को डर लगने लगा कि वाकई वोटेक्स हॉरर शो करने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जो है वो किसी की लाइट जो है वो 12 घंटे बाद आई, जैसे मेरी आई, एंड आप सब लोगों की भी आ रही है, जा रही है और आने के बाद भी जाती रही। तो हमें अपने जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा और बैकअप के लिए भी हमें चीज़ें रखनी होंगी, बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा तो लाइट की वजह से जो है वो सारे काम रुक जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। और मार्टिन टर्म से कह रही हैं, आई होप दैट यू कंटिन्यू टू एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी एंड यूटिलाइज इट इन योर वर्क फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आई एम ट्राइंग टू डूइंग दिस। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मार्टिल्डा, आपने बहुत ज़्यादा लिख दी, मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा डिनर इस वक्त सुनने के बाद, लेकिन इट्स ओके, कैरी ऑन, कंटिन्यू। आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद यू गाइज एंड उर्दू एज वेल, एंड उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और मुझे इससे बहुत प्यार है। और मैं जब ऐसे लिखा करता था उर्दू में तो आई गॉट अ 3.5 stars और 3 stars मेरे सर ने मुझे दिए थे। और मैट्रिक क्लास या 9th class की कोई लड़की थी और उन्होंने जो है वो मेरा वो मजबून कॉपी किया था और मुझसे लिया था बाकायदा, मेरी बुक कॉपी लेकर गई थी वो देखने के लिए। और जो क्लास में फर्स्ट आता था वो मेरी शक्ल देख रहा था। यार कम्पीट करते ही थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए लाइफ में, यू नो, मतलब लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट गिविंग अस बाय द गॉड और हमें उसको जो है वो यूटिलाइज और डायरेक्शनली जो है वो उसको सही वे पे लेकर चलना चाहिए, वरना जीते तो जानवर भी हैं रोज़ और इंसान भी हैं और हमारे अंदर से वकल का फ़र्क है। और अगर हम उसको आर्टिस्टिक वे में लाइफ को जिए तब जाकर हमें पता चलता है कि एंड में हमें कोई रिग्रेट फील नहीं होता कि हमने लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जी है। जब जाते टाइम जब टिकट हमारा आ जाता है बोर्डिंग पास और एयर हॉस्टेस अनाउंस करती है कृपया ध्यान दें आपके जो है वो टिकट का टाइम हो गया, आपकी फ़्लाइट का वक्त हो गया, अब आपको दुनिया से जाना है, तो वो एक बड़ा एक संगीन वो होता है, लम्हा होता है। और उस वक्त इंसान जो है वो सिर्फ अपने आप से डर रहा होता है कि यार मुझे जाना है और मैंने क्या ऐसा किया लाइफ में जो मुझे मिलेगा। एंड इट्स अ बिटर रियलिटी, एक बहुत ही कड़वा सच है, बट है, एक दिन तो है और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी हम चाहे जितना भी उसको इग्नोर कर दें तो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार एक दिन ये चीज़ होनी है, तो लाइफ में एक करेज आ जाती है जीने की कि हाँ यार हमें आर्टिस्टिक वे में लाइफ को जीना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए लेकिन अच्छे वे में और सही वे में, जिससे कि हमें लगे कि हम खुद एक स्टार हैं। क्योंकि ये जो आप स्टार देखते हैं जो मूवीज़ वगैरह में, ये तो फैंटेसी वर्ल्ड है ना, ख्वाबों की दुनिया है। स्टार वो होता है जो रियल लाइफ में होता है और जो रियल लाइफ में लोगों को देखता है या हेल्प करता है या उनको डिटेन करता है, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप सब में एक स्टार है। मैं खुद यहाँ स्टार नहीं हूँ, मुझे काफ़ी लोग बना देते हैं यहाँ पे, एंड मैं सबको ये कहता हूँ मैं तो बस एक रोशनी की किरण हूँ जो स्टार में से निकल के आती है और आप लोग तक पहुँच जाती है। बाकी सब काम आपका अपना है। और जितने भी न्यूली हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम करूँगा, जो लोग जा रहे हैं उनको कहते हैं शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कंबल ओढ़ के सोइएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही लाइट गई तो मेरे एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो 27 से 23 पे आ गया और मेरी मछली जो है वो थर थर कांप रही थी पानी के अंदर, कह रही थी या अल्लाह हमें बचा ले, लाइट लेकर आ जा। वो उन बेजुबानों की दुआ लग गई और लाइट यहाँ पे आ गई। इसके साथ जो है वो बात हो रही थी शो के हवाले से, तो शो हम हॉरर भी करते थे और इंटरटेनिंग भी करते हैं, वीलॉग्स भी बनाते हैं। इसके साथ हमने देखा कि बहुत से लोग डरते हैं, जैसे आज वजिया ने हमें लिखा है यहाँ पे कि नाइस वॉइस, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, प्लीज़ नो हॉरर आज। हॉरर नहीं है, चुपके से बता देती हैं लोग आके ना, जो लड़कियाँ डरती हैं कहती नहीं हॉरर नहीं करना है आज बिल्कुल भी, हॉरर बिल्कुल भी मत चलाना क्योंकि भूत हमें देख के भाग जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये एक जोक्स अपार्ट, मैं उसके लिए एक रियलिटी शोज लेकर आ रहा हूँ, रियल स्टोरीज जो हैं जिसमें लाइफ में हमारे साथ क्या क्या रियल में वाकयात पेश आते हैं वो देखकर आप लोग उसको कुछ सीखेंगे भी। और आप जो लोग हॉरर शो से थोड़ा सा जेलिस होते थे वो थोड़ा सा इस साइड पर आ जाएंगे कि हमें रियलिस्टिक शो सुनने को मिल रहे हैं, तो उनको मज़ा आएगा ऐसी कहानियाँ सुनने में ना। तो मैंने सोचा कि एक नई चीज़ थोड़ा सा जनरेट करना, क्योंकि कलीम भाई से भी मुझे डांट पड़ जाती कभी कभी, मैं ब्रेक पे चला गया था, मैं ब्रेक पे क्यों चला गया था, मैंने शो करना क्यों छोड़ दिया थे, ये मैं आपको आके बताऊंगा इस ट्रैक के बाद। तब तक के लिए सबको करते हैं एक बार दोबारा से वेलकम। और प्रिंस ऑफ एनी अदर प्लेस, प्रिंस का जो निक है, और वो हमसे कह रहे हैं कि मार्टिल्डा हैज़ डन PhD इन बटरिंग, डोंट डिसीव्ड। ठीक है जी, उसके साथ जो है ग्रेड वन हमसे कह रहे हैं आरजे वोटिस, भूत
जमे देख के भाग, भूत हमें देख के भाग, बिल्कुल बगैर मेकअप के किसी को भी देख लिया भागेगा भूत, गारंटी है। इसके साथ मैं आता हूँ एक ट्रैक के बाद, आप लोग मेरे साथ रहिए और सुनते हैं एक ट्रैक को, अपकमिंग ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड विद ऑल फ्रॉम अ सीन, एंजॉय योर चैट एज वेल एज द रेडियो, वी विल बी राइट बैक। थोड़ी सी टूटी हुई हूँ, फीलिंग्स मुझे कंट्रोल कर ले, उससे पहले मैं उन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ। ऐसी आधी अधूरी लड़की जो आई लव यू कहने से डरती है, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दोगे? साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हर दम, बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे वेलकम करते हैं एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमारे साथ सुन रहे थे, इलेक्ट्रीफाइंग हो रहे थे और सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे, और सॉन्ग को एंजॉय करने के साथ साथ हमें लिख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने जबरदस्त से कमेंट्स। और मार्टिल्डा हमसे कह रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग द शो एनवायरनमेंट सो फ्रेंडली एंड टॉकिंग योर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एंड कम्पीटिंग द वर्क ग्रेसफुली, यू डिजर्व सो मच, थैंक यू सो मच, यू गाइज ऑल डिजर्व माई प्रेयर्स एंड विश यू अ वेरी वंडरफुल लाइफ अप अहेड इन द फ्यूचर एंड ब्लेस्ड। उसके साथ जो है आप लोग खुश रहें, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो कम ट्रू हों। एंड अच्छा, एलिनोर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं एंड शी इज़ माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, जिनसे बाद में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और पहले हमारी बात हुई थी कि भाई इनकी शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी क्योंकि इनकी पढ़ाई की वजह से, और ये कह रही है अभी मैं पढ़ लूँ तो मेरी शादी भी हो जाएगी, दैन अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और आपको एक चांद सा दूल्हा मिले, आमीन।
इसके साथ जो है आप जो है वो छुआरे में और उसमें क्या क्या रखवाएंगी खाने में, ये डिशेस पहले से बता दें, क्योंकि मुझे आपने इनवाइट किया तो मैं अगर खाने पे आऊँगा तो अच्छा लगेगा कि मेरी मनपसंद डिशेज हों। तो थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज़ टू एलिनॉर, दोस्त होते ही इसी काम के लिए जो दूसरों को लोग इन्वाइट करें और उनके लिए जो है वो खाना अच्छा रखवाएँ। एनीवेज मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाशमी जो है उनको वेलकम करते हैं, और रानी ने हमें ज्वाइन किया, रानी को हम वेलकम करेंगे। एंड कोई माने या ना माने, रानी की भी जो है वो बर्थडे आ रही है। और जख्मी साइकिल ने हमें ज्वाइन किया, जख्मी इंसान तो सुना था, ये साइकिल कैसे जख्मी होती है, टायर पंचर था या उसके ब्रेक फेल हो गए थे, क्या हुआ था जो वो जख्मी साइकिल बन गई, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द शो। मार्टिल्डा को हम कहेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यू कैन से वेरी वेरी थैंक यू टू यू फॉर इनकरेजिंग मी लाइक दिस। आजैन ने ज्वाइन किया, ब्लैक जीरो ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। वजीहा इस्लाम ने ज्वाइन किया, इनको साथ में वेलकम करते हैं। हमारे साथ सहर मौजूद हैं, सहर को वेलकम करेंगे। पिज़्ज़ा ने ज्वाइन किया, पिज़्ज़ा को वेलकम करते हैं। नेहा मौजूद है, मैक ने ज्वाइन किया, इन सबको वेलकम करेंगे। मिशाल हमें ज्वाइन कर चुकी है, मिशाल को वेलकम करेंगे। इसके साथ और कौन कौन मौजूद है, एंड लेट्स सी, डोना ने ज्वाइन किया, डोना को वेलकम करेंगे। शहजाद भी आ चुके हैं, शहजाद को वेलकम करते हैं। और नो प्रॉब्लम, ओके। एंड ओपसी भी मौजूद है, उपसी, इन्होंने उपसी को जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, और उपसी मैंने इनको गैड कर लिया। कह रहे हैं वोट एक जख्मी साइकिल दी, सीट चोरी हो गई है पोल बचा हुआ है बस, क्या बात है, मैं समझ रहा हूँ। और साथ में जो है मिनाल ने ज्वाइन किया है, और उन्होंने आज खाया है राइस मिक्स वेजीज, क्या बात है। और मैंने जो है वो खाया था पाए का सालन खाना था बेसिकली, कल मैंने जिंगर और चाउमिन खाया था, एंड उसके बाद मेरा मूड नहीं हुआ, फिर मैंने बन कबाब खा लिया और साथ में फ्राइज खा लिया एंड अ लिटिल सिप ऑफ पेप्सी। जैसे दाल में तड़का लगता है ना, ऐसे मुंह में तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा पेप्सी या ड्यू लेनी पड़ती है। और एंग्री वाली बर्ड ने हमें ज्वाइन किया है और कह रही है एलिनॉर आपके लिए थाली का बैगन एक दूसरा नीम चढ़ा खाली पिलाओ, और घर की मुर्गी और मीठे में तहरी खीर बनेगी, तहारी होती है, तहरी नहीं होती, और बनेगी, और आपके लिए दावत में आरजे वोटिक्स, क्या बात है। इसके बाद रानी वन कह रही है आरजे वोटिक्स हॉरर शो करोगे तो आमना को बुलाऊं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बुलाएगा, क्योंकि आज हॉरर शो नहीं है, आज मेरा डेमो शो है, फर्स्ट टाइम मैं क्लास में आया हूं आप सबके साथ, मेरा थोड़ा सलाम दुआ हुई है, किसी का होमवर्क चेक कर रहा हूं, किसी की क्लास वर्क चेक कर रहा हूं, एंड यू गाइस गोइंग ऑन एंड ऑन विद माय शो एंड द सॉन्ग्स एज वेल। तो चलते हैं आजकल जो एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, इन द टीम वर्क फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट लेजेंडरी सिंगर आबिद ब्रोही, रैपर एक्चुअली, एंड अली जफर इज ऑल्सो माई वन ऑफ माई फेवरेट, एंड उरूज फातिमा, इन तीनों ने मिलकर जो वर्क किया है इस गाने में वॉज मार्वलस एंड फैसिनेटिंग। सो गाइज लेट्स डू दिस टुगेदर, लिसनिंग दिस अपकमिंग ट्रैक, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, इन्जॉय करें, हमारे पास टाइम जो है वो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत है और मैं कंबल लपेटा हुआ है मैंने शो करने के लिए अपने ऊपर, और अंदर से जो है वो आवाज़ भी आई हो पता नहीं क्लियर आ रही हो नहीं आ रही हो आप लोगों को, क्योंकि मैं कांप भी रहा हूँ थोड़ा सा, मैंने जैकेट जो है वो नहीं पहनी हुई है, एंड आई एम ऑन अ सिंगल टी शर्ट, बट रूम टेम्परेचर इज़ जस्ट लाइक अराउंड 26 और समथिंग। चलते हैं इस ट्रैक की तरफ, सुनते हैं इसको, इन्जॉय करते हैं, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। And this track is for everyone who are listening to me on the radio. Thank you so much, my fans, for giving me energy. ओए ओए, रानी कह रही है हमसे हमारे रूम की जान वापस कर दी, रूम की जान तो आप सबके वजह से है, आप लोग रौनक हैं, मैं तो बस एक बल्ब हूँ जो ऊपर जलता रहता है, आप लोग आके स्विच ऑन करते हैं तो एंटरटेनमेंट शुरू हो जाती है। लेट्स गो।
किस्म पंज मयार ऐसी वैसी न तू बात कर मुझसे लको ही मुलाकात कर तू है ठगा चाहे लालो लाल लतीफ चाहे मुझे साहब बिटाई सिंध में मुझे सोना शरीफा सिंध में बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गाया है और बहुत ही मज़ेदार ट्रैक था और बहुत ही ज़बरदस्त रैप था एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रैप हिम बिकॉज इट्स टू डिफ़िकल्ट टू डूइंग लाइक दिस एंड आई डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस एक्चुअली बिकॉज गाना इतना ज़बरदस्त था और इसमें जो है वो सिंधी में पहले बोलता था हाशमी इज़ हेयर हाशमी जो है वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे अजरक भी गिफ्ट की थी इसमें सिंधी के फेस्टिव में एंड कह रही हैं कि वाह भाई आप सिंधी भी बोल लेते हैं बिल्कुल मैं बोल लेता हूं क्योंकि मैं सिंधी में मेरे पूरे नंबर आते थे हमारी टीचर बड़ी सख्त होती थी सिंधी की मुझे याद है और चार नुक्ते डलते थे तो वो भी मुझे आज तक याद है और मुंजा मिठरा मौला साईं एक उस वक्त नज़म होती थी वो भी हम पढ़ते थे और इट वॉज सम वंडरफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड और हमने उस वक्त सिंधी भी पढ़ी बोली भी बाद में जाकर हम भूल गए वो एक अलग कहानी है क्योंकि फोकस बहुत सारी और चीज़ों में हो गया था फिर हम सिंधी से टच में नहीं थे कहते हैं ना कोई भी अगर लैंग्वेज हमें सीखनी हो तो उसका एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है तो वो हमने ज़रूर उसको सीखना पड़ा साथ में जो है वो सर्दी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि मत पूछें क्योंकि कुछ लोगों को नज़ला होगा कुछ को खांसी हो रही होगी कुछ जो है वो उबला हुआ अंडा नहीं खा रहे होंगे कोई जैकेट पहन के बाहर नहीं जा रहा होगा और जो है वो जैकेट पहन के बाहर जा रहा होगा तो भी उसको सर्दी लग रही होगी और सबसे ज़्यादा तो लोगों को बाइक पे सर्दी लगती है गाड़ी वाले तो फिर भी सेफ हो जाते हैं शीशे ऊपर करे और फटाफट जो है वो मज़ा आ गया हमें और सर्दियों में जो है वो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी आप लोगों के पास गर्म कपड़े हैं स्वेटर हैं जो आप लोगों को छोटे हो गए हैं वो आप बाहर जाके जो है वो डोनेट कर सकते हैं उन गरीब बच्चों को जो कि आपके साथ सर्दी तो गुजार रहे हैं लेकिन उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं तो आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास है मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आपके पास ना हो तो आप जाकर फिर भी मदद करें आप अपने जितना आपके पास है उस हिसाब से मदद कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ऐसे कपड़े मौजूद हैं जो आप उनको देना चाहें हन्ना ने ज्वाइन किया हन्ना को वेलकम करेंगे इसके साथ रानी कह रही है सर्दी है तो गर्मी के सॉन्ग प्ले कर दो क्या मतलब सॉन्ग में भी कोई सीज़न होता है ये कौन सी चॉइस है एनीवेज आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है एंड आई रिस्पेक्ट इट और हमने जो है वो ट्रैक यहाँ पे प्ले किया और बाकी के ट्रैक्स भी इसी तरह चलते रहेंगे आता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद 2:31 हो चुके हैं यानी 2:31 AM इसके साथ 35 मिनट्स हो चुके हैं हमें शो करते हुए और हम एक ज़बरदस्त शो सॉन्ग इसके बाद सुनेंगे और आज का जो टॉपिक है वो मैं अब नहीं रखूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ में अपने टॉपिक रख दिए हैं टॉपिक पर अब वहीं पर बात होगी जहाँ पर जो लोग हैं और हमें सुन रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि वो क्या सुनना चाहते हैं टॉपिक के बारे में या किसी भी किस्म के टॉपिक पर जिस पर मैं बात करूं आप लोग चाहें तो वो मैं कर सकता हूं और आप सबको बता सकता हूं आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं ड्रामा क्वीन ने हमें ज्वाइन किया है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं इनको और लगता है हाशमी कह रही है वोर्टेक्स की अब फिर से रोज़ आने की आदत नहीं जाएगी जो कि ख़त्म होने लगी थी जब से शो नहीं हो रहे थे नहीं 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 मैं वीकेंड्स पर ही शो करता हूँ जो मैं करता हूँ वही करूँगा और वैसे मैं गायब रहूँगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए तो वो मुझे करनी पड़ती हैं एंड आई हैव टू डूइंग अ जॉब इन माय होम एज़ वेल मतलब कोई भी काम होता है तो वो मुझे करना पड़ता है
और जैसे कि अंडे लाने हैं, डबल रोटी लानी है, दूध लेकर आना है, बाहर से कोई सामान लेके आना है, मतलब अगर आप वोटेक्स तो यहाँ पर आके स्टार बन जाते हैं, रेडियो पर अगर आप उनको लाइव देखें तो वो बेचारे काम कर रहे होते हैं, अपने घर के नौकर हैं और बहुत सारी चीज़ें ला रहे होते हैं, किसी के जूते साफ़ कर दिए, किसी को कपड़े सही एडवाइस दे दी कि इस तरह से पहनने, कोई सामान ला कर दे दिया, कोई और चीज़ कर दी, कोई सफाई डस्टिंग हो रही है घर में, मतलब मैं खुद अपने आप में एक ये चीज़ें कर रहा होता हूँ ताकि जो है ना वो मुझे लाइफ में कुछ सीखने को मिले। एनीवेज चलेंगे यहाँ ट्रैक की तरफ, आप सबको कहेंगे बहुत शुक्रिया मुझे इनकरेज करने का, और आई होप आप लोग सब सही होंगे, आप लोगों का मूड अच्छा होगा और आप लोग खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके घर वाले भी खैर खैरियत से होंगे। चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ, आते हैं ब्रेक के बाद, एंजॉय कीजिए इस अपकमिंग डेडिकेटिंग ट्रैक टू यू गाइज, सी यू आफ्टर दिस ट्रैक। वेलकम करते हैं एक बार फिर से, और माटिल्डा कह रही है कि हमें उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले नहीं करी, तो बिल्कुल आपकी बुर्ज खलीफा की जो ट्रैक रिक्वेस्ट थी वो माटिल्डा ने हमें दी थी, और एरिस हमसे कह रही है डिंग डोंग, साथ में अलीराज हमें वेलकम करें, थैंक यू सो मच। एंड माटिल्डा सिंह, मैंने आपसे बोला और आपने रिप्लाई नहीं किया है। जैस्मिन ने ज्वाइन किंग को वेलकम करते हैं, और साथ में ड्रामा क्वीन ने जो वेलकम किया था, उन्होंने यहाँ पर आई थी वो, उनको भी वेलकम करते हैं। एंग्री वाली बर्ड की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, उनको भी वेलकम करते हैं, कह रही हैं असल में माटिल्डा का निक होना चाहिए ड्रामा क्वीन। बिल्कुल, अब मुझे तो लग रहा है कि ये आपका निक हो गया गलती से, आपका निक माटिल्डा होना चाहिए, तो एक्सचेंज कर सकते हैं आप दोनों अगर चाहें तो, अपने पासवर्ड शेयर कर लें और वो आपके निक से आ जाए और आप उनके निक से, तो थोड़ा सा एक उल्टा पुल्टा हो जाएगा और लोग पहचानने में जो है ना वो अजीब फील करेंगे। इसके साथ जो है वो एसएसएन लॉर्ड ने ज्वाइन किया, एसएसएन लॉर्ड को वेलकम करेंगे। कोई भी मजे वाला निक, ठीक है, आई एम लिसनिंग योर शो आउट, बाहर से मैं आपका शो सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच एसएसएन लॉर्ड, आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में, ही इज़ ऑल्सो माई ओल्ड फैन। और इफ यू गाइज वॉन्ट ज्वाइन मी ऑन फेसबुक, फेसबुक पर जाकर जो है वो आप आरजे वोटेक्स लिखें तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा,
और आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube से ही मिल जाएगा एक्चुअली, फेसबुक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फेसबुक को लॉगिन करें, उसको खोल के रखें और यूट्यूब पर जाएं, मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर जो ऊपर वाली कवर फोटो आ रही होगी उस पर फेसबुक और इंस्टा का एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक और इंस्टा का एड्रेस मिल जाएगा और साथ में यूट्यूब में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे फैन लिस्ट में। इसके साथ मार्टिलडम से कह रहे हैं, हाँ हाँ जी नहीं, मैंने वो सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं करा, कितना झूठ है ये अंग्रेजी वाला बट लोल। मतलब मेरे पास कोई भूत आया था, मार्टिलडा की रूह आई थी और मुझसे कह रही थी कि वो बुर्ज खलीफा का ट्रैक प्ले कर दें, कोई बात नहीं, मेरा दिल चाह रहा हो, मैंने खुद कर दिया। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग यू, ऑलवेज सपोर्टिंग यू गाइज हियर, आई एम जस्ट डूइंग द शोज एंड क्रिएटिंग माई चैनल फॉर योर अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट। यू गाइज कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑन द यूट्यूब एज वेल। ड्रामा क्वीन कह रही है मेरा सॉन्ग प्ले करो प्लीज, क्रिस मार्टिन, वन ऑफ माई क्रिस ब्राउन एक्चुअली, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम, इनको भी हम जरूर प्ले करेंगे। मानो बिल्ली ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। पप्पू ने ज्वाइन किया है, पप्पू जो है वो पास हो गए, इनको भी वेलकम करते हैं। हाशमी हमारे साथ मौजूद है, रानी हमें सुन रही है, पिज़्ज़ा हमें सुन रहे हैं और अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं और चलेंगे ट्रैक की तरफ जो हमें दिया है यहाँ पे एंग्री वाली बर्ड ने। और एंग्री वाली बर्ड आपका ट्रैक आ रहा है, फ्रॉम क्रिस ब्राउन इज सिंगिंग फॉर यू ऑन दिस ट्रैक। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Oh, wait. Before you going with 1, 2, 3, 4, here I have some message from Angry Wali Bird. वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप क्रिस ब्राउन का फॉरएवर प्ले कर देंगे फॉर, और वो ये डेडिकेट करना चाहती हैं मार्टिल्डा को, प्रिंस ऑफ डम को एंड समवन समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। ओके ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट प्ले हो गई है, लार्सन जो
ऑलराइट, वेलकम करते एक बार फिर से सब न्यू कमर्स को। पिंक रोज ने हमें ज्वाइन किया, पिंक रोज को वेलकम करेंगे, नमूनी ने ज्वाइन किया, नमूनी को वेलकम करेंगे हमारे शो में। एंड जो ट्रैक हमने प्ले किया था वो एंग्री वाली बर्ड ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। एंड रानी ने दोबारा ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। मोमिन ने ज्वाइन किया, मोमिन को वेलकम करेंगे। हानिया मलिक इज ऑल्सो स्टेइंग विद अस राइट नाउ, एंड इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड टिप्सी भी ज्वाइन कर चुके, इनको भी वेलकम करते हैं हमारे शो में। जो जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं मेन चैट पर, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ। इसके साथ हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया एक साथ बात करने का और एंटरटेन करने का, बिकॉज इट्स अ वन आवर शो एंड 47 मिनट्स लॉन्ग अगो वी स्टार्टिंग अ शो हियर टुनाइट एंड गिविंग यू अ सरप्राइज बाय आरजे वोटेक्स एंड इलेक्ट्रीफाइंग योर हार्ट्स। और बात हो रही थी कि मैंने शो बीच में क्यों छोड़ दिए थे और मैंने आना क्यों छोड़ दिया था, तो उसका एक रीज़न था उसके पीछे। मैं जो है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई गॉट फंगस इन माई ईयर। मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे शो कॉन्स्टेंटली लगातार किए हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो एयरफोन में जो है वो एयर ब्लॉक हो गया था और कान में जो है वो फंगस हो गया था। एंड इट टेक्स 1 month टू कमिंग बैक ऑन द स्टेज, और मुझे जो है वो काफ़ी टाइम लगा। उसके साथ जो है वो दांत का भी दर्द हो गया था और मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया था और मेरे दांत में दर्द हो रहा था और वो कुछ इस तरह से रहा था, दांत में कीड़ा नहीं लगा हुआ था, एक दांत टूटा हुआ था, उसका एक जो पार्ट होता है वो दूसरे दांत से टकरा रहा था, दूसरा वाला दांत जो है वो बढ़ रहा था, अकल दाढ़ आ रही थी। वैसे तो मैं डम्बो हूँ, अकल मुझ में है नहीं, लेकिन वो दाढ़ आ रही थी, तो वो दर्द इसलिए हो रहा था कि वो उसको ब्लॉक कर रहा था। एंड फाइनली उसको रिमूव किया हमने एंड नाउ वी आर बैक ऑन द स्टेज। आज़ैन ने ज्वाइन किया, आज़ैन को वेलकम करते हैं। वो कहते हैं आई वॉन्ट टू बी आर जे हेयर, हु आर द आर जे हेड। आरजे हेड मेरा किसी ने नहीं बताना है आप सबने आज़ैन को, और मुझे बिल्कुल भी शो नहीं आता और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। मुझे खुद ही इन्होंने ट्रायल पर रखा है, हो सकता है 15 दिन बाद निकाल भी दें अगर मैंने सही डेब्यू नहीं दिया अपने अपने शो का। और कलीम वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे डांट पड़ जाती है और बहुत सख्त ओनर हैं हमारे ऑल फॉर मस्ती के और बहुत सीरियस रहते हैं वो, और अगर मैं कोई भी गलती या मिस्टेक कर दूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है। तो अभी तो मेरा डेब्यू हो रहा है और ये सब मुझे पास नहीं करेंगे आज़ैन, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली कम हियर एंड एंजॉय एंड एंटरटेन द पीपल एंड प्रोवाइड देम सम एंटरटेनमेंट वी योर सॉन्ग, वी योर वॉइस, वी योर एंटरटेनिंग स्किल्स। और रानी मैडम से कह रही हैं वैसे इतने दिन बाद कैसे आना हुआ। एक्चुअली मैं सही हो गया तो मैं आ गया, अदरवाइज़ मैं अभी भी बेड पर ही था और आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज जब दांत में दर्द होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर कुछ करने का मूड नहीं होता उसका लाइफ में, बट स्टिल गिव अप तो देना नहीं था। और फिर रानी मैडम से कह रही आ गई फिर अकल, जी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आई, अभी है कि दाढ़ निकली है, 3 और निकलना बाकी है, 4 निकलती हैं, तो उसके बाद कंप्लीट अकल हो जाती है, मतलब आप PhD कर लेते हैं लाइफ में ना, लाइफ की डिग्री आपको मिल जाती है 4 अकल दाढ़ आने के बाद ना। इसके साथ हमसे कह रहे हैं कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि किस टॉपिक पर हम बात करें, और हम क्योंकि टॉपिक्स अब हमने बहुत सारे रख दिए हैं ऑलरेडी और मैं चाहूँगा हम रखेंगे भी बाद में, बट स्टिल मैं चाहता हूँ लोग क्या सुनना चाहते हैं या उनके दिलों में क्या है या उनकी लाइफ में क्या उनको ऐसे डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं जो वो सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे। तो चलेंगे यहाँ पर एक ट्रैक के बाद और बात होती रहेगी इसके ऊपर, और सबको करेंगे एक बार फिर से वार्म वेलकम। और अपकमिंग ट्रैक जो है वो हमें दिया था, किसने दिया था, या ओके ड्रामा क्वीन का ये ट्रैक है और ड्रामा क्वीन ने हमें ये ट्रैक दिया है, नहीं मैं तेरी हो गई यहाँ, और लेट्स डेडिकेट दिस ट्रैक टू ड्रामा क्वीन। और थोड़ी अकल इधर भी दे दें, अकल ट्रांसफ़र नहीं हो सकती बेसिकली, मैं देने की कोशिश करता हूँ लोग सवाल नहीं करते ना, लेकिन जब करेंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगा। और साथ में हम ड्रामा क्वीन के लिए ट्रैक प्ले कर रहे हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आइए मिलकर सुनते हैं ड्रामा क्वीन ने हमें क्या ट्रैक दिया है और कैसा ट्रैक है इनका, और आई होप ड्रामा क्वीन इसको एंजॉय करेंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन ऑल फ्रॉम ओवरसीज वेब रेडियो एंड द चैट, एंजॉय योर स्टे। सब कुछ सह लांगी, जिवें कहेंगा वे रह लांगी, हस
हंस के सब कुछ सहलांगी माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेगा तू मेरे बाजों कितने होर न लावेगा वेलकम वंस अगेन यू आर लिसनिंग आरजे वोर्टेक्स ऑन द रेडियो कोक ने हमें ज्वाइन किया करम उसको है खुदा का आप सुनाओ कोक हमसे कह रहे हैं थैंक यू सो मच कोक फॉर कमिंग हियर एंड शेक हैंड्स विद मी एंड आई होप योर मॉम इज फाइन यू आर आल्सो फाइन इट्स गुड सो गुड टू सी यू हियर और एलिनोर इज सेइंग हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी है बॉनफायर का कोई काम नहीं है बॉनफायर यानी लकड़ी में जो आग लगा लेते हैं ना वो हीटर से ज़्यादा सस्ती पड़ती है मैं एलिनोर को यही मशवरा दे रहा था भी वो कह रही नहीं हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी है ये एक तो हॉस्टल का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है एलिनोर का इनकी नैनो टेक्नोलॉजी में भी ये हॉस्टल रुकावट बना हुआ है और काफ़ी टाइम इन्होंने ये प्लानिंग की है कि मैं हॉस्टल से जो है वो भाग जाऊं किसी तरह दीवार फैलांग के पर एलिनोर जिमनास्टिक में थोड़ा वीक है क्योंकि इनकी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो अपना ब्रेन इनका फोकस करता है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड शी इज़ गुड इन स्टडीज़ और आके कभी कभी यहाँ अपना टाइम पास करती हैं जब भी आप इनको देखेंगे यहाँ हंसते खेलते अपने आप से बात करते हुए नजर आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से ऐसे असरात पैदा हो गए हैं कि एलिनोर जो है वो अब थोड़ा सोती रहती हैं और जागती रहती हैं और अपने आप से बात करती रहती हैं अगर कोई ना मिले तो लेबोरेटरी में जो है वो लेबोरेटरी में चूहों पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ नया करने का सोचती हैं जो हमारे मुल्क के लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है एंड लेट्स सी फरियाल ने हमें ज्वाइन किया फरियाल को वेलकम करेंगे यहाँ पे और ब्लैक ज़ीरो यहाँ मौजूद हैं जो मिशाल ने हमें ज्वाइन किया इनको वेलकम करते हैं मोमिन जो है वो हंस रहे हैं और रानी का ट्रैक हम इसके बाद प्ले करेंगे और टाइम बहुत शॉर्ट है 4 मिनट्स रह गए मेरे पास तो रानी का ट्रैक प्ले करते हैं जल्दी से आते हैं भाग कर एक ब्रेक के बाद मेरी जब तक मैं मेरे साथ रहिए और अगर बेल बजे गेट पर तो दरवाज़ा खोलने मत जाइएगा क्योंकि रात का 3 बज रहा है और कोई भी हो सकता है तो स्टे ट्यून एंड कीप इलेक्ट्रिफाइंग विद आरजे वोर्टेक्स आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean Come and feel me, oh feel me Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean Come and
Shining in the seas like a pearl upon the ocean, coming, feel me, oh, heal me. Heal me, oh, heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh, feel me. Shining in the settings. और यहाँ पर ड्रामा क्वीन हमसे कह रही है, आरजे प्लीज रोज आया करो. मैं मतलब क्या, दूध वाला हूँ मैं? खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ. ट्रस्ट मी, मैं अखबार वाला हूँ, रोज आऊँ न्यूज़पेपर. टिंग टिंग. Leonardo is here, one of my long lost old buddy. और बहुत ही पुराने बंदे हैं. और हम लोग जब पैरामिड का टाइम था उस टाइम मिले थे यहाँ पे. Once upon a time in a chat room is just like a great pyramid. और mummies बने हुए थे, Leonardo, मैं, Newty, ये सब जो है वो यहाँ पर आते थे और बात करते थे. और Ambla हमसे पूछ रही हैं कि ये बाजी का क्या मतलब होता है. अब Ambla की लैंग्वेज थोड़ी उर्दू वीक है, तो बाजी का मतलब होता है, Ambla मना बाजी कौन सा सूट दिखाऊँ मैं आपको, यानी सिस्टर मैं आपको कौन सा सूट दिखाऊँ. तो Ambla, Baji means sister, and Ambla, you are most welcome here in my show. And Hashmi is saying, no, आप हमारे अच्छे प्यारे आरजे हैं, रोज आए. आपने आसिफ जी को ही तो सुनते, बस आप एंड आसिफ जी को तो सुनते. आसिफ जी जो हैं वो हमारे प्यारे से आरजे हैं यहाँ पे, जिनको हम आरजे आवारा पागल दीवाना कहते हैं. इसके साथ जो है वो रानी हमसे कह रही है, अब आप जब भी आए मेरा ये सॉन्ग जरूर प्ले करें. अच्छा ठीक है जी. Ambla कह रही है हमसे, आई एम अ इविल गर्ल. Meet me on the Saturday night after 1 AM on the graveyard. We telling the stories of horror one Ambla here on All for Musti, and I hope you enjoying with me the stories as well. And Leonardo ko karenge a big welcome once again. Leonardo ki wapsi pe. Ye Teenage Mutant Ninja Turtle ke Leonardo hain, Raphael hain, Michelangelo, Donatello inke dost hain, aur ye yahan aa jaate hain kabhi kabhi. Aur inko hum welcome karte hain. So good to see you. Leonardo is here back. और दो ट्रैक्स रह गए, मुझे भागना है क्योंकि टाइम कम हो गया और जो है वो खाना भी रखा है और टाइम जा भी रहा है और आप लोग सबको सोना भी है. तो एंजॉय द कॉफ़ी विद आरजे वोटेक शो एंड द टी हस्बैंड टेस्ट, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं. चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, आप सबको डेडिकेट करते हैं एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक. मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. One of my favorite track, ladies and gentlemen, dedicating to your loved ones. Enjoy. Khabar tenu koi na. Hey, yes and I. Jilak tera ildaar and I. Sulpa jad
the fire. Cause baby I've been falling for you. Ye jo teri yaad hai, marhaba hai, sab tera hai. Cause baby I've been falling for you. Make me wanna burn down jello. Single ki ban ja rani. De de bas yehi nishani. Tenu main pyar karan jo duniya to baar. Tere nakre ye sendai. Jhalak tera hilda rehndai. Zulfan jad teri udhdi hai. Chain sade dil da nachdai. Tere nakre ye sendai. Jhalak tera hilda rehndai. Zulfan jad teri udhdi hai. खबर तेनू कोई ना, साढ़े दिल दा तू नशा है हर दफा है. Cause baby I've been falling for you. ये जो तेरी अदा है, मरहबा. ये जो तेरी अदा है, मरहबा है या हयाती. बेबी आई एम फॉलिंग फॉर यू. एनीवेज हम चलते हैं एक ट्रैक की तरफ जो लास्ट ट्रैक होगा हमारे शो का. और शो का जो टाइम है वो 1:03 हो चुके हैं. आप सब लोगों के सोने का टाइम हो गया है. इससे पहले कि अम्मी अब्बू आप सबको डांटें, अपने अपने तकिए बिस्तर लिहाफ निकाल लें, कॉफ़ी का कप अपने हाथ में ले लें, कोई अच्छे से पॉपकॉर्न जाकर जो है वो बना लें, और साथ में कोई मूवी या कोई फैंटेसी कोई भी ऐसी चीज़ कर लें जैसे मैं अपना टाइम पास करता हूं. तो आपको मैं लाइफ की आज के बाद से कुछ सही डायरेक्शंस बताऊंगा जिसके बाद आप लाइफ को आर्टिस्टिक वे में ज्वाइन कर पाएंगे. क्योंकि जब मैं यहां पे आया था तो शायद लोग समझ रहे थे कि ये जो वर्ल्ड है यहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट फेसेस के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, एंड वी हैव टू डील टू देम. और उनको हमें डील करना पड़ता है अपनी लाइफ में. और किसी की लाइफ में कुछ अच्छाइयाँ भी आती हैं, कुछ बुराइयाँ भी आती हैं और उनको फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लमैटिक लाइफ होती है. बट ट्रस्ट मी, डोंट गिव अप ऑन दैट, बिकॉज लाइफ को आप कहीं से भी कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, न्यूली ज्वाइन कर सकते हैं. फरदीन ने हमें ज्वाइन किया है, फरदीन को वेलकम करेंगे. भाई दुआ है आपको, जीते रहें, सदा सुहागन रहें. ये मैंने इनसे पूछा था कि आप दुआ दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सदा सुहागन हुआ तो मैं शो तो नहीं कर पाऊंगा भाई. उसके बाद ड्रामा क्वीन हमसे कह रही है, आप कौन हो, आई हैव ऑलरेडी सीन योर निक. कब कब देखा था, कहाँ देखा था, 1925 में देखा था. आई एम वॉज जस्ट यूजिंग द इंटरनेट सिंस 1990. इट्स अ जोक्स अपार्ट 1925, सॉरी माय मैथमेटिक्स इज क्वाइट अ वीक हियर. और 1990 पे मैंने ज्वाइन किया था MIRC डालनेट पर, जब मैं नेट पे एक कैफे में बैठा करता था छोटा सा, और वहाँ से मैंने अपनी जॉब का, अपने करियर का आगाज़ किया था. बट स्टिल मुझे रिश्ता किसी का नहीं मिला. उन्होंने फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा, उन्होंने कहा सैलरी आपकी बहुत कम है, 10,000 में तो कोई दूध वाला या अखबार वाला ही आ सकता है यहाँ रोज शो करने के लिए. तो उन्होंने मुझे वो रिश्ता रिजेक्ट कर दिया. आई एम रियली सॉरी ऑन दैट. आज़िन जो है वो LOL कह रहे हैं, वो कवर ड्राइव की तरफ उन्होंने शॉट खेला था बट बॉल 4 की तरफ चली गई और 6 नहीं हो पाया. कोई बात नहीं आज़िन, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त आपका शॉट लगेगा. मार्टिनडम से करी, गुड शो, विल यू कम टुमॉरो, देखा जाएगा कल का क्या पता. हु विल बी नोइंग बाय द फ्यूचर, वी डोंट नो. शायद आ भी जाऊं, शायद आज भी आ जाऊं, शायद सरप्राइज शो कर लूं कल, शायद भूत भी आ जाए. कल एक अलग डे है, कल रेगुलर डे है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड लिव लाइक देयर इज नो टुमॉरो. और हम चलेंगे आपकी डायरेक्शन पर. RJ फरदीन हमारे जो है वो फैन हो गए, थैंक यू सो मच. उनकी खुशफहमी है, वो कह रहे हैं कहा सुना माफ. और मैं मजाक कर देता हूँ, फरदीन आप सीरियस हो जाते हैं यार. ये जो चीज़ है ना, ये बंदे को लेट उठती है तो डिप्रेशन में चले जाता है बंदा ना. एंग्री वॉली बर्ड हमसे कह रही है, मार्टिल्डा ने आपके लिए बिरयानी बनाई है बिना चिकन के. क्या बात है मार्टिल्डा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ बिरयानी. इट्स रियली डिलीशियस, स्मेल लाइक इट्स रियली वंडरफुल. मैं खा नहीं सकता, बस ये बात है, स्मेल तो आ गई है. यू हैव टू कम. ओके ठीक है, लास्ट ट्रैक है जो हम लियोनार्डो को डेडिकेट करेंगे और उन सबको डेडिकेट करेंगे जो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया इनकरेज करने का. जहाँ रहें खुश रहें, मेरी दुआएं आप सबके साथ है. मैं और सीरियस या इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ जोक्स अ पार्ट. हम थोड़ा थोड़ा मजाक कर लेते हैं आप सबको.
थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, और मेरी बातों को अगर किसी को भी बुरा लगे तो तहे दिल से माफ़ी, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, शो सुना, आप लोगों ने इन्जॉय किया, हंसे खेले मुस्कुराए। क्या पता हम लोग जो है वो कल हो ना हो, फ्यूचर का नहीं पता होता, तो आज ही को हम ऐसा बना लें कि हम अच्छे से लाइफ को जिएं। और जी बिल्कुल अली रजा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रैक में, नेक्स्ट शो के साथ। ये शो जो है वो यूट्यूब पर गैलरी के अंदर चला जाएगा, और आप सब में से अगर किसी ने शो आधा मिस कर दिया है, या बीच में इंटरवेल आ गया था, या फिर आपको अपॉन लेने चले गए थे, या आपके पेरेंट्स ने आपको बुला लिया था, तो आप वहां जाकर दोबारा इसको सुन सकते हैं, अकेले में इंजॉय कर सकते हैं शो को, इसके ट्रैक्स को, जो आप सबके लिए हैं, आप सबके लिए डेडिकेट्स हैं। विश यू अ वेरी बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ, a wonderful life up ahead. Stay safe wherever you are. Take care. Bye bye. Good night. Allah Hafiz. RJ Vortex ka salam. Aap sabko phir se mulaqat hogi. Last track aap sabke liye dena chahta hu. Jaate jaate apna bahut sara khayal rakhiyega. Tata. Bye bye. Signing out from all from us. RJ Vortex is going on a graveyard. We will see you tomorrow or some other day. And I hope you guys enjoy the life. Milte hain break ke baad. Joel and Shadow.